सिंधी बहा की देवादि देविक खजराट श्री आदिनाथ भगवान की देवादि देविक खजराट श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज की आचार्य भगवान गुरुवर विशद सागर जी महाराज की तीन कम नौ कोटि महामंडराजों की भवबंधु अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र भगवान वर्धमान स्वामी की वाणी मनीषी हूँ। जीव के कल्याण का साधन है मन वचन और काय, इन तीनों से होता है आश्रय। मन वचन और काय, इन तीनों से होता है आश्रय। शुभ उपयोग करोगे तो शुभ आश्रय, अशुभ उपयोग करोगे तो अशुभ आश्रय। अनिमेश अनिकेत भाई, तुम्हारे पास धन है और तुमने उस धन से द्रव्य खरीद के पूजा की, उस द्रव्य का सदुपयोग किया कि नहीं? द्रव्य का सदुपयोग किया, लेकिन मेरे भाई मन में एक लहर आ गई कि हम रत्न चढ़ाते हैं, हम रत्न चढ़ाते हैं, मौनू तो नहीं चढ़ाता। द्रव्य का सदुपयोग करके भी परिणामों का दुरुपयोग, वही द्रव्य किसी ने होटल में ले जाके भोजन कर लिया, खाना खा लिया, वहां दुरुपयोग, उसी भोजन का आपने, उसी द्रव्य का आपने कर लिया सदुपयोग। ऐसे ही भगवान कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, वचनों का दुरुपयोग मत करो, वचनों का दुरुपयोग मत करो। जो जिनेन्द्र भगवान ने कहा है वैसा ही कहो, जैसा उन्होंने कहा है वैसा ही करो। कल हमने सम्यक दृष्टि के बहिरंग चिन्ह सुने थे, जो जिनेन्द्र कथित गणधर द्वारा विस्तारित और आचार्यों की परंपरा से प्राप्त ज्ञान को कहता है वह सम्यक दृष्टि है, मन की नहीं, जिनकी कहता है अमित भाई, मन की नहीं, जिनकी कहता है, जिन वाणी में जो लिखा वो सत्य है कि नहीं। उत्सव
यहाँ हमें कोई सुनने नहीं आया, सब जिनेन्द्र भगवान के कथन को सुनने आए हैं। आज भगवान कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, भैया कहने के पहले विचार करो, ध्यान से सुनना, कहने के पहले विचार करो, पढ़ने के पहले विचार करो, लिखने के पहले विचार करो, किसी को कुछ पढ़ाना हो तो पढ़ाने के पहले विचार करो, किसी को किसी की चीज़ की प्रेरणा देना हो तो पहले विचार करो कि जो मैं कह रहा हूँ वो जिनेन्द्र देव के अनुकूल है कि नहीं। संभव, जो मैं कह रहा हूँ जिनेन्द्र भगवान के अनुकूल है कि नहीं। क्या पता सब करके भी सब कह के भी तुम मिथ्यात्व में रह जाओ, मिथ्यात्व में रह जाओ। बड़ा आश्चर्य होता है राजेश भैया हमको, छोटी छोटी बातों को लेकर के व्यक्ति अपने आप को सिद्ध करने के लिए सही और किसी और को गलत सिद्ध करने के लिए आगम को एक सेकंड बदल देता है। पलक झपकने का टाइम तो बहुत अधिक हो गया, आगम के विपरीत बोलने में सोचता नहीं है। नहीं एमी, अपनी गलती स्वीकारो कि मैं गलत हूं, लेकिन ये मत बोलो कि आगम गलत है। कई लोग ये भी करते हैं कि अपनी गलती ढांकने के लिए दूसरे की गलती गिनाते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। पवन भैया, जो जैसा आगम में लिखा है वो करो, वो कहो, लेकिन किसी भी एकांत का आग्रह मत करो। भैया कहेगी ये पर्याय, सहेगी कोई और पर्याय। बोलो आप प्रमित सागर जी, कहेगी ये पर्याय और सहेगी कोई और पर्याय। इस पर्याय का दुरुपयोग करोगे फिर दुर्गति अवश्य होगी। इसलिए भैया भगवान कुंद कुंद स्वामी आज गाथा नंबर 3 में कह रहे हैं, ग्रंथ रखें उत्सव बेटा देख लेना, गाथा नंबर 3 में कहना चाहते हैं, हे जीव मिथ्या दृष्टि मत बन जाना, मिथ्या दृष्टि मत बन जाना। लोग जहर तुम्हारे मुख से तुमको दे सकते हैं, लेकिन भैया कोई तुमको सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि बना नहीं सकता, वो आपकी परिणति सम्यक मिथ्यात्म में लेके जाती है। विजय भैया प्रगाट, आपके परिणाम आपको अशुभ में लेके जाते हैं, उसमें दूसरों का कोई दोष नहीं है। सत्य है कि नहीं? अपन जा रहे थे कलश स्थापना के लिए, कोई कह रहा था महाराज जी यही है नटराज, समझना उस अभक्ष सामग्री ने आपको कब श्रीफल चढ़ाया कि आओ और हमें खाओ। मनो फुल्की खाते कि नहीं डेली, बिना नांगे के अभिषेक करते कि नहीं? अच्छा यही नियम ले लो कि हम अभिषेक नहीं करेंगे। यशु अभिषेक कर लिया, प्रतिदिन करते हो, क्यों? प्रश्न है क्यों? पवन भैया अभिषेक करते कि नहीं प्रतिदिन? प्रतिदिन। सोनू भैया प्रतिदिन अभिषेक करते कि नहीं? कभी कभी मतलब महीने में 20 दिन, 2-4 बार। हमारे हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप अभिषेक करो, हम ये बताना चाहते हैं कि फुल्की खाने में तुम चूकते नहीं हो, लेकिन भैया भगवान की भक्ति करने में चूकते हो, इसलिए संसार में तुम घूमते हो। यहां आज कह रहे हैं अपने पर्याय का दुरुपयोग मत करना, अपने पुण्य का दुरुपयोग मत करना, अपने पद का दुरुपयोग मत करना। जो सत्ता में होता है ना
राजेश भैया, जो सत्ता में होता है वो सब करता है, लेकिन सत्ता जाने के बाद उसके साथ बहुत कुछ होता है। मदी सुदर नान बलेन दू सचंदम बोल दे जिणुदिट्टम जो सो हो दी कुदिट्टी ना हो दी जिन मग लग रहो। बहुत सुंदर गाथा है। मदी सुदर नान बलेन दू बिनी मती श्रुति ज्ञान के बल से जो स्वच्छंद बोलता है जिनेन्द्र भगवान के कहे वचनों को, सो होदि कुदिट्ठी वो मिथ्या दृष्टि है, ना होदि जिन मग लग रहो वो जिनेन्द्र भगवान के मार्ग पर चलने वाला नहीं है। गलत करने वाला स्वीकार रहा है कि मैं गलत हूं वो तो ठीक है, लेकिन गलत कहने और करने के बाद नहीं स्वीकार रहा कि मैं गलत हूं और दूसरों को भी गलत में लगा रहा है बिल्कुल ठीक नहीं है। मति श्रुत ज्ञान के बल से भैया कुछ भी मत बोल देना। माना कि किसी का पुण्य का उदय चल रहा है, क्यों बाबू? नितिन चौधरी जी सुन मेरे भाई, नीचे कल भजन गा रहे थे आप, आवाज मिली है तुमको, ढोलक मिली है, भैया भजन गाओ ना, पिक्चर के गाने क्यों गाते हो? समझना क्या कहना चाहते हैं, आपने अपने गले का दुरुपयोग किया है। ऐसे भजन गाओ ना जिनसे वैराग्य बढ़े, ऐसे भजन मत गाओ जिनसे विकार बढ़े। अपने मति शुद्ध ज्ञान का दुरुपयोग मत करना भैया, दुर्गति हो जाएगी। अपने मतलब के लिए आगम को मत तोड़ना। राजेश भैया आज की बड़ी विडंबना है, व्यक्ति जब ऊपर उठता है तो वो यही कहता है जो मैं कह रहा हूं वह सत्य है, जबकि उसको कहना चाहिए जो सत्य है वो मैं कहूंगा, जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है, वही प्रमाण है, और जहां आपने मेरी बात नहीं मानी तो मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। भी नहीं बेटा, ये मिथ्या दृष्टि का कथन है, ये मिथ्या दृष्टि का कथन है। अभी वर्तमान में किसके पास कौन कौन सा ज्ञान है? अप्रमित सागर जी, जितने जीव हैं सब मति शुद्ध ज्ञानी ही हैं, केवली कोई नहीं है। अब आप बताओ हमारे लिए महाराज जी, आपके पास ज्यादा ज्ञान है कि पूर्वाचार्यों के पास ज्यादा ज्ञान था? पक्का पारस भैया आप अभी ज्यादा ज्ञानी हो कि पूर्वाचार्य? मिलन भैया पूर्वाचार्य ज्ञानी है कि आज के मुनि? अब इसमें समंत भद्र स्वामी भी आ गए, रवि सेन स्वामी भी आ गए, बीर सेन स्वामी भी आ गए, ठीक है ना? अमित भैया आज के मुनि ज्यादा प्रमाणित हैं कि पहले के 10वीं शताब्दी 7वीं शताब्दी के मुनि आचार्य, पहले के ना? अब सुनो राजेश भैया, जिसके ज्ञान में कीड़ा काट जाए स्वच्छंद प्रवृत्ति का, फिर वो स्वच्छंद प्रवृत्ति ही करता है, जुआड़ सब लग जाती है। क्यों सुमी? जुआड़ सब लग जाती है बेटा। एक महाराज ने कहा, बड़ा दुख लगा अंदर हृदय में, बड़ा दुख हुआ, बोले सातवीं सदी के बाद के आचार्य अप्रमाणित हैं। कौन सी शताब्दी के? सातवीं शताब्दी के बाद के सभी आचार्य अप्रमाणित हैं। ठीक है भैया, आप कौन सी शताब्दी के हो? जो कह रहे हैं मां वो कौन सी शताब्दी के हैं? हैं? वो 21वीं शताब्दी के हैं जो कह रहे हैं, अब वो प्रमाणित बचे कि नहीं? बोलने के पहले सोचो तो, आप क्या बोल रहे हो?
क्या होता है पारस भैया, किसी को गलत मंत्री मिल जाए तो ऐसे ही होता है, ये गलत भक्त मिल जाए तो ऐसा होता है। सलाह देने वाला कोई सही है उसकी सलाह स्वीकारो, ये मत सोचो कि वो छोटा है कि बड़ा। एक राजा जंगल में गया, आकाश भैया, एक राजा जंगल में गया और उसको बहुत प्यास लगी थी, इतनी प्यास लगी थी रास्ता भटक गया कि अब मृत्यु हो जाएगी। भटकते भटकते वो एक पेड़ के नीचे आके बैठ गया, बंदर ने उसको देख लिया, बंदर ने उसको देख लिया, बंदर ने इशारा किया कि पानी वहां है, इस तरफ जाओगे पानी मिल जाएगा। राजा गया, पानी पीकर उसने अपनी प्यास बुझा ली। अब प्यास बुझाने के बाद, सुस्ताने के बाद राजा सोचता है कि इससे बड़ा कोई मेरा सेवक नहीं है, इसने मेरी जान बचा ली, इसने मेरी जान बचा ली, आज से ये मेरा रक्षक है और यही मेरा मंत्री है। ठीक है भैया, उसको रक्षक बना लिया। मंत्री को समझाया कि राजा वो बंदर है, उसका इतना ज्ञान नहीं है। बोले नहीं, यही मेरा रक्षक है, इसने जान बचाई है। विषय लगाना हम क्या बोलना चाहते हैं। रात्रि के समय राजा विश्राम कर रहा था, दो मक्खियां घूम रही थी, वो मक्खियां भिन भिन कर रही थी, राजा को डिस्टर्ब हो रहा था। बंदर हिलाए, मक्खी चली जाए फिर आ जाए, बंदर हिलाए मक्खी चली जाए फिर आ जाए। उसने तलवार उठाई, बोले आज इन दोनों मक्खियों को निपटा देते हैं, और तलवार ऐसी चलाई कि राजा की नाक कट गई। मक्खी नाक में बैठी थी, उसने तलवार चला दी, नाक कट गई। मंत्री बुला के कहते हैं, राजा कहता भगाओ इस बंदर को बाहर। कब समझ में आया कि रक्षक गलत थे, जब नाक कट गई। पारस भैया, ऐसे सलाहकारों से बचो जो तुमको आगम के विपरीत चलाती हो, बंदर के जैसे हो। आगम के विपरीत मत कहना। अब सातवीं शताब्दी के बाद के आचार्यों को अप्रमाणित कह दिया नायक जी, अप्रमाणित कह दिया। अब बताओ, दसवीं शताब्दी में धवला टीका लिखी गई, अप्रमाणित हो गई। सुनते जाना, तुम पंचकरण किसको देख के कराओगे? आदि पुराण से देख के तो पंचकरण कराते हो, वो अप्रमाणित हो गया। और आगे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, तुमने सारे आचार्य को अप्रमाणित कर दिया। किसके लिए? हमारे पंथ के राग के लिए। हमको ये पसंद नहीं है इसलिए अप्रमाणित। आप मिथ्यादृष्टि हो, जो ऐसा कहे सो मिथ्यादृष्टि है, ऐसा हमने नहीं कहा। गाथा नंबर 3 आप खोल के देख लो, ग्रंथ नंबर, गाथा नंबर 3 रैण सार। मदी सुध नान बलेण दू, भैया मति शुद्ध ज्ञान मिला है, कहने की शक्ति मिली है, दुरुपयोग मत करो। पद का दुरुपयोग करोगे भैया, पद भी चला जाएगा। ध्यान रखना, थोड़ा डरना पड़ता है बाबू, पाप से डरो। जब पाप से डरोगे तब आगम का कह पाओगे। कथा सुनी आप लोगों ने, पर्वत वसु नारद की मां, असत्य बोलने का क्या परिणाम रहा। मति शुद्ध ज्ञान था और एक पद था उसके पास राजा का, उसने उसके दम पर मिथ्या कह दिया, सिंहासन सहित पृथ्वी में धस गया कि नहीं। आगम के विपरीत आपने कहा है, कोई बात नहीं, वर्तमान में पुण्य का उदय है, आगे आपका काम गड़बड़ हो जाएगा। नानू एक चीज देखना भाई, वर्तमान में पाप से धन कमाने वाले के यहां धन बढ़ रहा है, और धर्म करके नीति से धन कमाने वाले के धन नहीं बढ़ रहा, ऐसा हो रहा कि नहीं?
मिलन भैया ऐसा देखा जा रहा कि नहीं, हिंसा कर रहा है और दिन दुगनी रात चौगनी संपत्ति बढ़ रही है। KFC नाम सुना है नहीं? एमी KFC का नाम सुना है बेटा? 1,00,000 मुर्गियां रोज कटती है उसके यहां। कितनी? 1,00,000 मुर्गियां प्रतिदिन कट रही हैं और करोड़ों रुपए दिन कमा रहा है। वहीं हमारा एक जैन श्रावक पानी छान के पी रहा है, जिनेंद्र भगवान की भक्ति कर रहा है और एक निश्चित धन राशि का कमा करके व्यापार कर रहा है। उसको इतने धन का लाभ नहीं हो रहा, इसका मतलब वो सही है ना बिक्की भाई? इसका मतलब वो सही है जो पाप करके धन कमा रहा, वो सही है? नहीं, धैर्य रखो, धैर्य रखो। सबके दिन एक से नहीं होते, कहां है गौरव? सबका टाइम आएगा है? किसी का वक्त चल रहा है तो किसी का दौर चलेगा, सबका टाइम आएगा। उसके पूरे पुण्य का उदय आ रहा है भैया प्रभात जी, उसके पूरे पुण्य का उदय आ रहा है। क्यों? उसको नरक जाने में कहीं दिक्कत ना आ जाए। और आपके जीवन में पूरे विघ्न आ रहे हैं, क्यों? ताकि स्वर्ग जाने में आपको कोई दिक्कत ना आए। बोले महाराज जी पूजा अभिषेक करते हैं हम लोग, विधान भी करते हैं, फिर भी बीमार रहते हैं। अरे मां, ये विचार तो करो कि बड़े बड़े पाप आपके छोटे में निकल रहे कि नहीं। किसी को कैंसर होना था और फुंसी होके ठीक हो गई, बताओ अच्छा हुआ कि खराब? गाड़ी पूरी पुल के नीचे जानी थी और गाड़ी थोड़ी सी डिसबैलेंस हो गई, अच्छा हुआ कि खराब? समझो तो उसको भैया। संभव कहानी का मतलब क्या निकला बताने का? जो व्यक्ति अभी दुरुपयोग कर रहा है पुण्य का, उसका भविष्य में होगा पाप का उदय। ऐसी जो वर्तमान में मति शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करके उच्च पद में बैठ करके, भैया आगम के विपरीत कह रहा है, उसकी दुर्गति निश्चित है। उसकी दुर्गति निश्चित है। आजकल ऐसा हो गया है नायक जी, संजय भैया, जो टीवी पे आ गए तो भगवान हो गए, चाहे विद्वान हो चाहे महाराज हो, टीवी पे प्रवचन आते भैया उनके। हाँ, लेकिन एक बात बताएं, प्रसंग आया तो कि टीवी पे प्रवचन आते थे, हमने अपने कानों से सुना है, तरुण सागर महाराज के सबसे पहले टीवी में प्रवचन आते थे और पूरे भारत की जैन समाज ने उनकी निंदा की थी। ये आपको हम बहुत बड़ा सत्य बता रहे हैं उस समय का। क्यों? बोले कोई खा रहा है, भोजन कर रहा है, सो रहा है, प्रवचन आ जाते हैं महाराजों के, कितनी अभिनय होती है। और महाराजों ने भी माइक से उनकी निंदा की थी। आज बताओ किसके नहीं आ रहे टीवी पे प्रवचन? विचार करके बोलो ना, आप क्या बोलना चाहते हो? नायक जी सुन रहे कि नहीं? टीवी पे आ गए तो भगवान। एक पंडित जी थे बेंगलोर में, भैया मिलन भैया, हमने उनसे कहा पंडित जी ये आप कह रहे हो कि कलिंदर अभक्ष है, तो कहाँ लिखा है कि कलिंदर अभक्ष है? तुमने एक ग्रंथ की फोटो खींच के भिजवा दी, बेंगलोर की बात है। गौरव शिविर लगा तो उनका KGA में, अब वो नहीं रहे, उनकी उपसर्ग समाधि हो गई है। सुनो राजेश भैया, एक दिगंबर मुनि 32 उपवास करके गए तो साधु कहते कि मर गए, और एक व्यक्ति हॉस्पिटल में चले जाए तो बोले उपसर्ग समाधि है। वाह क्या बात है। मति सुदान बलेण दू, भैया मति शुद्ध ज्ञान के बल पर तुम दुरुपयोग मत करो, दुर्गति होते देर नहीं लगेगी। अब उनने पेपर वो ग्रंथ की फोटो भेज दी, हमने पूछा है ग्रंथ प्रमाणित है कि नहीं? बोले प्रमाणित है, पक्का? बोले हाओ। अब देखना पारस भैया, नीचे लिखा था उसी पंक्ति में
कि तरबूज अवक्ष है और ऊपर की पंक्ति में लिखा था कटहल भक्ष है। भाई हमसे कुछ पूछो या बोलो तो सोच समझ के बोलना, हम आगे पीछे का पूरा देखते हैं। वो जस भैया तुम टिकटॉक बनाते हो, देख लिया करो आजू बाजू कौन बैठा है कौन लेटा है, समझ गए। अब हमने फिर से भेजा, हमने पंडित जी ये ऊपर की पंक्ति में तो कटल भक्ष लिखा है। अरे कहीं उसको नहीं मानते, उसको छोड़ दो छोड़ दो। अपनी बात कहने के लिए आगम को मत तोड़ना। मोनू भाई हमसे ये उम्मीद मत करना कि चार महीने में हम आपके मन की कहेंगे, हम तो जिन की ही कहेंगे। और अगर उनकी सुन ली तो जिन की सुन ली तो जिन बनने में देर नहीं लगेगी, और मन की सुन ली तो फिर भैया मन की ही सुनते रहना, मन की ही कहते रहना, जिन नहीं बन पाओगे। सहज सागर जी जो ना पता उसके लिए बोल दो भैया हमें नहीं पता। आनंद भैया जो नहीं बनता उसके लिए हम बोल रहे थे भैया रुको देख के बता रहे हैं, गलत क्या है, गलत क्या है, कोई हम केवली तोड़ना है। आगम के विपरीत कभी मत कहना, दुर्गति होती है, प्रमाण देख लो भैया आप। राजेश भैया हॉस्पिटल में गया व्यक्ति उसकी समाधि नहीं मानी जाती, परिणाम कितने निर्मल हो, संकलेश तत्व है। जहां मंदिर में गुरुओं के पास आते हैं तब अलग बनता है वातावरण। क्यों भाई प्रियांश तुम कह रहे थे कि माता जी ने जबलपुर में दादी माँ की समाधि कराई थी, भैया हॉस्पिटल में भी तो नमोकार सुना सकते थे। माना कि साधु भी जाके हॉस्पिटल में नमोकार सुना है तो भी वो वातावरण नहीं बनता। किस किस को अपनी समाधि करना है, अच्छी पक्का मिलन भैया समाधि का निर्णय। अच्छा कितने लोगों की इच्छा है अंतिम समय तक हम मुनि आरिका का व्रत ले ही लें, इच्छा है मिलन भैया नहीं इच्छा। ये मत देखो शरीर की शक्ति कैसी है, भाव बनाओ सब व्यवस्था होती है। भैया अगर अंतिम समय तक मुनि बनने का भाव है, आगम के विपरीत सुनना नहीं, आगम के विपरीत करना नहीं, आगम के विपरीत कहना नहीं। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए खिसक जाना वहां से, बोलना भैया हम आ रहे हम आ रहे आ रहे हम आ रहे, खिसक जाना। बोलो प्रियांश दादी माँ का अच्छा समाधि मरण हुआ कि नहीं, उनको देख करके प्रेरणा नहीं आई कि हमको भी अच्छा समाधि मरण करना है। भगवती आराधना में लिखा है कि कोई जीव अगर अंतर मुहूर्त के लिए भी मुनि बन गया, बिनी अंतर मुहूर्त के लिए भी मुनि बन गया और समाधि मरण को प्राप्त हो गया, अनंत भवों के पाप क्षय हो गए, अधिक से अधिक 7-8 भव, कम से कम 2-3 भव में उसका मोक्ष हो गया। हम ये देशना क्यों सुन रहे हैं, साधुओं का चातुर्मास क्यों करा रहे हैं, परिचर्या क्यों करा रहे हैं, सब स्वार्थी हैं मां, सब स्वार्थी हैं। सबको लगता है अपना अपना, देखो आपको लगता है पुण्य मिल रहा है तो आप महाराज को पढ़ा के आहार करते हो, महाराज को पता है शुद्ध भोजन मिलना है सो पड़क के आहार करते हैं। कोई भी परिस्थिति हो हम फिर से कह रहे हैं आगम के विपरीत सुनना नहीं, कहना नहीं, करना नहीं। पारस भैया चिड़िया की कहानी कभी मत भूलना, चिड़िया की कहानी कभी मत भूलना। बड़ा दुख है हमको आज, बोल दे मिलन भी हम आपको परसों एक फोटो दिखाई थी ना बिनी ने आगरा के मंदिर की, भैया वो मंदिर टूट रहे, बड़ा दुख है इस बात का। मंदिर तो नया बन जाएगा, बरगड़ाएं नई कहां से लाओगे। जिसने दान दिया उसका दान व्यर्थ हो गया, जिसने वेदी बनवाई शिखर बनवाई उसका सब देना व्यर्थ हो गया। भैया जीर्णोद्धार करो ना, आप नष्ट मत करो। पद्म पुराण जी में बहुत सुंदर कथानक है, बड़ा चैन से पढ़ना,
राजा दशरथ महामंडलेश्वर राजा थे। चार महामंडलेश्वर होते हैं, उसमें से राजा दशरथ एक थे। वो कैलाश में वंदना करने गए जिन मंदिरों की, जिन बिंबों की, जो भरत चक्रवर्ती ने बनवाए थे। जाकर के उनने देखा कि कई वर्षों से यहां का जीर्ण उद्धार नहीं हुआ है। रत्नों के मंदिर थे, स्वर्ण की रजत की प्रतिमाएं थी, उनने उसका जीर्ण उद्धार कराया, जहां जो कमी थी उसको पूरी कराई है। राजेश भैया ये संदेश भारत में दे देना कि जीर्ण उद्धार कराना है तो सिवनी में आके सीख लो। पारस भैया जीर्ण उद्धार कराना है तो सिवनी में आके देख लो, उनने मंदिर नहीं गिराए, उनने जीर्ण उद्धार कराया। एक भी ईंट खिसकी नहीं है, बल्कि नया उसी में जोड़ दिया है। आप जाके देखो नेमिनाथ भगवान की वेदी को और जितनी वेदियां हैं अपनी, आप सबको देख लो। जो जरूरी है उसको करो, जो जरूरी नहीं है उसको मत छेड़ो भैया। हाँ, छोटे मंदिर को देख लो आप, दो बार पंचकणक हुआ, उसमें क्या परिवर्तन किया आपने बताओ? मिलन में समाज ने क्या परिवर्तन किया? नहीं, जो जैसा है वैसे ही है। व्यवस्थित करो, व्यवस्था करो, व्यवस्था मत बिगाड़ो भैया। मिलन भैया माना कि मैं कह दूं, भक्त हैं हमारे बहुत, आपको हम 100 करोड़ रुपए इकट्ठा करवा के देते हैं, कल सिवनी के नए मंदिर पूरे बनना चाहिए, आप तैयार हो क्या? हैं? 100 करोड़ रुपए इकट्ठे होंगे पारस भी, आप तैयार हो? अच्छा एक काम करो, मूल नायक भगवान बदल दो, आपको 25-50 करोड़ की आमदनी हो जाएगी। चलेगा नायक जी? चलेगा दादाजी? सुनील भैया चलेगा? भैया बिल्कुल नहीं चलेगा। धन के लोभ में आकर के भैया हमारे जिन मंदिरों को ध्वस्त मत करो। मनु बड़ा दुख होता है, और फिर व्यक्ति क्या मिथ्या बोलता है कि इनका उन्होंने बोल दिया, इन्होंने बोल दिया। अरे भैया कोई कुछ भी बोल दे, वृद्ध है तुम्हारी माँ, उनका उपचार तो कराओ, दूसरी माँ मत लेके आना। एक व्यक्ति के शरीर की कीमत 8 करोड़ रुपए है, पता किसी को? आपके शरीर की कीमत 8 करोड़ रुपए है सुमित, पता कैसे? किडनी अलग बिकेगी, लीवर अलग बिकेगा, हृदय अलग बिकेगा, आंखें अलग बिकेंगी। तैयार हो? नहीं तैयार? टार्जन, टार्जन बोले हम बिकवा देंगे मोनू का, अपना नहीं। सुनो भैया विषय समझो भैया, वृद्ध का शरीर भी क्यों ना हो, आप उसकी रक्षा करो। आप देखो कांच के मंदिर की वेदी का भी जीर्णोद्धार हुआ है, उसका एक बहुत सुंदर भामंडल आया है अभी, कितना सुंदर लग रहा था भैया। मूर्तियां तो पुराने पैटर्न की हो गई, अब नई रखवाओ। चलेगा उत्सव? चलेगा? नहीं भैया बिल्कुल नहीं चलेगा। एक छोटा सा प्रश्न कर रहे हैं हम पारस भैया, आपने 1 लाख रुपए दान दिए, किसके लिए? कि वेदी का जीर्णोद्धार हो जाए भैया। और हुआ, और 2-4 साल बाद आकर के मिलन भैया ने 5 लाख दे दिए और वेदी तोड़वा दी, आपको दुख होगा कि नहीं? उसके दिल से पूछो जिसने धन दिया है। धन के लोभ में आकर के भी भैया ऐसा काम मत करना। जहां जो हो रहा है बिनी, वो तो केवल ही जाने सत्य है कि असत्य बिनी, जहां जो हो रहा है उससे अपन को विकल्प नहीं। लेकिन दुख इस बात का है जो कर रहे हैं उनका क्या होगा। मड़िया जी की घटना है, हमने एक महाराज के उसमें अंतर यात्री किताब है आचार्य श्री की, और भी संस्मरण की किताब है, उसमें पढ़ा था कि एक सज्जन ने आके बताया कि आचार्य श्री आज इस मंदिर में मूर्तियां चोरी हो गई हैं। तो आचार्य श्री दिन भर उदास थे, शाम को भक्ति के बाद महाराजों ने पूछा कि आचार्य श्री क्या कर सकते हैं,
हो गई, चोरी तो हो गई, अब जयपुर से दूसरी मंगा के रख देंगे। आचार्यों की क्या प्रज्ञा है, क्या सोच है, क्या दृष्टि है, आप वहां तक पहुंच ही नहीं रहे। शिष्य बनना दूसरी बात है, गुरु के गुणों को ग्रहण करना दूसरी बात है। आचार्य जी ने क्या कहा बताएं? बोले बेटा नई मूर्ति तो आ जाएगी, वैसे ही हूबहू आ जाएगी, प्रशस्ति भी लिख जाएगी, लेकिन जो चोरी करके ले गया है उसका पाप कैसा उदय में आएगा, मैं तो यही सोच रहा हूं कि उस जीव को कैसा पाप कर्म का उदय झेलना पड़ेगा, उसने जिन बिंब को ले गया है। बहुत कठिन है ऊपर उठने के बाद, एमी बेटा प्रतिष्ठा मिलने के बाद अपने को संभाल के रखना बहुत कठिन है। ऊपर उठते समय तो सावधानी रखी जाती है, लेकिन ऊपर उठ जाओ उसके बाद और सावधानी रखी जाती है, कहीं गिर मत जाना, कहीं गिर मत जाना। शहद सागर जी कल अपन परसों जंगल जा रहे थे, एक बात चर्चा हुई थी उसको यहां ले लो। यहां मंदिर के बाजू में एक एटीएम है, उसमें दो मशीनें लगी हैं, एक में लिखा है भुगतान जमा करें, कैश जमा करें, एक में लिखा है कैश निकालें। बताओ तो जरा भैया वर्तमान में जमा करने की भीड़ ज्यादा है कि निकालने की, बताओ जमा करने की भीड़ ज्यादा है कि निकालने की है, जमा करने की सोचो तो एक मिनट के लिए आप, अगर जमा करने की भीड़ कम है तो लोग मशीन से जमा क्यों कर रहे हैं, बैंक क्यों नहीं जा रहे हैं। गंभीर विषय है, निकालने वालों की भीड़ ज्यादा है, जमा करने वालों की भीड़ कम है, ये पंचम काल है, पुण्य जमा करने वालों की भीड़ कम है, पुण्य खर्च करने वालों की भीड़ ज्यादा है, बहुत कम है जो सत्य में जी रहे हैं। अच्छा बताओ आप, इसी जगह पर जनवरी के महीने में, दिसंबर के महीने में पूज्य योग सागर महाराज जी से मिलन हुआ था, नायक जी वहीं जहां पीछे बैठे उसके स्टेज पे, याद है अच्छे से, क्या आनंद से मिले थे, संभव उत्सव बेटा आप लोगों ने कितनी तारीफ की थी महाराज जी, ऐसे महाराज बहुत दिन बाद मिले हैं, सरल पानी की तरह, याद है ठीक है। लेकिन एक बात तो बताओ, उनने आपके मंदिर की कौन सी व्यवस्था बिगाड़ी, मिलन भैया उन्होंने कुछ कहा कि ये वेदी ऐसी है, इस वेदी में ये मत करो, इतने बजे तक अभिषेक करो, इस वेदी को गिराओ, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। समय सागर महाराज को देखा ना राजेश भैया, आप बताओ उनने कौन से मंदिर के जाके उनकी परंपरा बदली हो। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज को जाके देखो, उन्होंने कौन से मंदिर में जाके वहां की परंपरा बदली या व्यवस्था बदल दी हो, नहीं। मुक्तागिरी भी चातुर्मास किया है, सिवनी भी कार्यक्रम हुए ना आचार्य श्री के, हाँ उन्होंने कुछ कहा नहीं। ज्ञानी है, पाप भीरू है, सम्यक दृष्टि जो है वो ये सब नहीं करता, सत्य के पक्ष में रहता है, सत्य का जीवन जीता है। पवन भैया आप यही सोच रहे हो कि महाराज जी आपके बोलने से क्या होगा, जब पाप करने वाला नहीं छोड़ रहा तो हम पाप का खंडन करना क्यों छोड़े। अपृष्टोपि वक्तव्य, अप्रमेशा जी श्लोक याद है, कहां का श्लोक है ये, भगवान सोमदेव सूर्य कह रहे हैं धर्म नासे क्रिया ध्वंसे स्व सिद्धांत विप्लवे अपृष्टोपि वक्तव्य स्व सिद्धांत प्रकाश ने, भी हमने नहीं लिखा श्लोक, लोग पूछें अगर यशक तिलक चंपू महाकाव्य में लिखा है कि महाराज जी आपको क्या पड़ी, आपको क्या करना, कहीं का मंदिर टूटे कहीं का बने,
सुनो भैया ध्यान से, बुरा नहीं मानना कोई, हम किसी की निंदा नहीं कर रहे, हम सत्य को कहना चाहते हैं। स्व सिद्धांत विप्लवे धर्म नाशे क्रिया ध्वंसे, धर्म का नाश होने पर, क्रियाओं का विच्छेद होने पर और सिद्धांत का विप्लव यानी विपरीत कथन करने पर, जब ऐसी परिस्थिति हो कोई ना पूछे तो भी कहना जिन शासन के सत्य के प्रकाशन के लिए। भैया कोई ज्ञानी हो संस्कृत का तो उससे पूछ लेना, अपने मन से हमने कोई अर्थ नहीं किया। चिड़िया को मत भूलना पारस भैया, जंगल में लगी थी आग, वह चिड़िया अपने चोंच से पानी डाल रही थी, पंख के फरों में पानी भर के लाकर डाल रही थी। एक चिड़िया कहती है तेरे करने से क्या होगा, एमी वो चिड़िया कहती है दूसरी कि पागल है क्या, तेरे पानी डालने से कहीं जंगल की आग बुझ रही क्या। चिड़िया क्या कहती है अपने हृदय पर रखना सुनील भैया, चिड़िया कहती है भविष्य में जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, लगाने वालों में नहीं लिखा जाएगा। इसलिए भैया सुमित भैया कोई करोड़ों नहीं अरबों नहीं लाखों रुपए इकट्ठे करा दे, मंदिर के बराबर सोना भी आ जाए, बोलना महाराज जी हम पूरा सिवनी खरीद के दूसरा मंदिर बनवा देंगे लेकिन ये मंदिर तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि मति शुद्ध ज्ञान का दुरुपयोग करोगे तो भाई दुर्गति ही होगी। पारस भैया माना कि यहां से लेंटर से पानी चूने लगे तो लेंटर तोड़ोगे कि ठीक कराओगे, भाई कभी कभी पानी चू जाते ना कहीं की छत पे। अब राजेश भैया बन गए पदाधिकारी, भैया आपके घर में पानी चूता है तो घर पूरा तोड़ के बनाते हो कि छत का लेंटर ठीक कराते हो, बोलो बोलो ना भैया, पूरा तोड़ो फिर नया बनाओ। अरे उतनी द्रव्य का दूसरा बना लो ना, तुम्हारे पास दो निधि हो जाएंगी। आपका घर है सो पैसा बचा बचा के और मंदिर है सो मिटा मिटा के, नहीं भैया ऐसा मत करना भैया। बड़ा दुख होता है आज हृदय रो रहा है इस बात के लिए कि हमारे पूर्वज जो देख रहे होंगे जिन्होंने बनवाई होगी वो क्या सोच रहे होंगे। देखो आप प्रमित सागर जी, वक्ता जैसा चाहे व्यक्ति को वैसा घुमा देता है। स्वाध्याय में तो टोपी पहनाना सफेद वाली है संभव, लेकिन आगम के विपरीत की टोपी मत पहनाना भैया। मिलन भैया हमने स्वाध्याय क्यों चालू करवाया है, सत्य का ज्ञान होना चाहिए, आगम पढ़ने की रुचि होना चाहिए। भैया एक गाथा पढ़ लेना, हमसे मत पूछना कि महाराज जी क्यों बोल रहे हो, अब गाथा पढ़ लेना। मिथ्या दृष्टि ही है वो जीव जो आगम के विपरीत कह देता है मति शुद्ध ज्ञान के बल पर। गोमटसार जी में लिखा है मिच्छत्तम वेदंतो जीवो विवरीत दंसनो हो दी नया धम्मम रोचे दी हूं महुरम रसम जहा जरिदम, महुरम पी रसो जहा जरिदो। ये गाथा गोमट सार जीव कांड की है, द्वितीय गुणस्थान का स्वरूप बता रहे हैं, पहले गुणस्थान का कि मिथ्या दृष्टि कौन होता है, या इस गाथा में मिथ्या दृष्टि जीव के लक्षण बता रहे हैं। सुनो मिथ्यात्व का वेदन करते हुए जीव, मिथ्यात् नाम की जो प्रकृति है दर्शन मोहनी की, उसका वेदन करते हुए मिच्छत्तम वेदंतो जीवो विपरीत दंशन होई, विपरीत दर्शन पर श्रद्धान करता है। नाया धम्मम रोचे दीहु, उसको धर्म नहीं रुचता, कैसा नहीं रुचता, मौरम पिरसम जहा जरिदो, जैसे ज्वर हो किसी को बुखार हो और मीठा खिलाओ तो नहीं रुचता, कोरोना वाले को रोटी खिलाओ तो नहीं रुचती, नमक का स्वाद आता है कोरोना में, किसी को हुआ है,
अनुभवी है कोई जिसको टेस्ट गया हो, भैया हमको अनुभव है हम बताते हैं। 14 दिन तक हमें नमक का स्वाद नहीं आया, केवल 2 स्वाद आते थे, एक नींबू का और एक मीठे का। बुखार बहुत तेज आया उस समय, मीठा नहीं रुचता, उस समय बोले मखाने में नमक डाल के दो। ऐसा है कि नहीं? गोमट साथ जी में भगवान नेमी चंद स्वामी कह रहे हैं, भैया मिथ्या दृष्टि जीव को कितना ही समझाना वो मानेगा नहीं। कहूंगे के लड़ पड़े के उठ घर भग जाए। पंकज भैया जिन वाणी को सुनते समय जो अभव्य है, मिथ्या दृष्टि है, के ऊंगे मुंह खोल के के लड़ पड़े, कब पड़ोसी से लड़ दे, ये क्या बोल रहे हैं, और कब घर उठ भग जाए, कब भग जाए घर पे। इसलिए मधुरम पी रसम जहां जरी दो, जिसको बुखार हो जाए उसको मीठे का स्वाद नहीं आता। ऐसे ही जिसको मिथ्यात्म डस ले उसको धर्म का स्वाद नहीं आता। आप लोग बहुत पुण्यात्मा हो, ऐसी जगह जन्म हुआ है जहां पर सत्य कहने वाले हैं, सत्य सुनने वाले हैं, सत्य को जीने वाले हैं। जाओ आप उत्तर भारत में, जाओ आप पश्चिम भारत में, कोने कोने में, कोने कोने में जाके देखो, आपको मालूम चल जाएगा कि धर्म क्या है। भगवान की वाणी में खेल चुका है कि जो धर्म है पंचम काल के अंत में दक्षिण में बचेगा। कहा ना, सुना कि नहीं? लेकिन अब इसको लगाना समझ लो। आधी बात सुनते हो, मां सुना कि नहीं आपने कि धर्म दक्षिण में बचेगा। पान में कितनी हरी होती है, सुनते जाना। दक्षिण मतलब कर्नाटक नहीं, जो भारत क्षेत्र का दक्षिण है यानी भारत देश, वहां केवल धर्म बचेगा। देखो आप, यहां जितने यूरोपियन कंट्रीज थी वहां से धर्म समिट गया, पहले सब जगह जैन धर्म था। आज भी वहां जिनाला है कि नहीं? अभी इजिप्ट में एक पिरामिड मिला है, वो जैन पिरामिड घोषित हुआ है। किसकी दम पे बताएं? वहां बाहर भगवान के यक्ष यक्षिणी की मूर्ति बनी थी, उसको जैन पिरामिड घोषित किया गया। वहां कौन जैन चला गया भैया? अरे वो जैन धर्म समिटते समिटते समिटते, विक्की सुबह पढ़ रहे थे ना जैन भूगोल, भाई अब वो जो नीचे का हिस्सा बचा है दक्षिण का नीचे का, अब वहां पर धर्म पहुंच गया है यानी भारत देश, अब वहां से समिट रहा है धर्म। देखो किनारे किनारे के जितने प्रदेश हैं ऊपर के, यहां से धर्म कम होना प्रारंभ हो गया कि नहीं? अब और कम होता जाएगा। क्यों? गलती किसी की नहीं, गलती अपनी है। शायद सागर जी समय बहुत हो गया, लेकिन सिर्फ इतना ही सा कहना है, प्रज्ञा मिली है भैया इसका दुरुपयोग मत करना। प्रज्ञा मिली है अपरमेय सागर, इसका दुरुपयोग नहीं करना। आपको संस्कृत आती, प्राकृत आती है तो अपने मन का मत लिख देना। देखो एक आपको अपना दृष्टांत देते हैं छोटा सा। संजय भैया हम लोग बिहार कर रहे थे, तो बिहार में आचार्य से बड़ी तत्व चर्चा होती, बड़ा आनंद आता है। तो एमी हमने कहा आचार्य श्री मूलाचार की 3 गाथाएं बहुत सुंदर हैं, धीरेण भी मदभम नि धीरेण भी अवश्य मरिदभम जदि दोनों भी मरिदभम वरम धीर तेन मरिदभम, कि धीर की भी मृत्यु होती है और अधीर की भी मृत्यु होती है। जब दोनों की मृत्यु होती है तो क्यों ना धीरता के साथ मरा जाए, सही है ना? वीर की भी मृत्यु होती है और जो वीर नहीं है उसकी भी मृत्यु होती है। जब दोनों की मृत्यु होती है तो क्यों ना वीरता के साथ मरा जाए। आचार्य बोले बिल्कुल सही है। हमने कहा आचार्य श्री एक गाथा हमने बनाई सुनाए। बोले सुनाओ। हमने कहा भुंजेण भी मरिदब्बम निभुजेण भी अवश्य मरिदब्बम
यदि दोनों भी मैदब्बम बरम भुंजतेण मैदब्बम। बोले अर्थ करो, हमने कहा खा के भी मरना है और भूखे भी मरना है, तो दोनों में मरना है तो क्यों ना खा के मरा जाए। अब आचार्य श्री वहीं जंगल में रुक गए, हरसु वहीं खड़े हो गए। आचार्य श्री बोले अभी तुम पहले नियम लो। क्या? बोले आगम के विपरीत एक शब्द नहीं लिखोगे, नियम लो। हमने कहा आचार्य श्री हमने गलत क्या कहा, बताओ। अच्छा आप बोले नहीं, तुमने पूर्वाचार्यों का आश्रय लेकर के गलत जनवाणी कही, पहले तुम नियम लो। पीछे से प्रणव सागर कहते हैं, बोले यार तुम मूलाचार लिख दो नया, उसमें 28 मूल गुण तो रखना, दो तीन हटा देना, केस लॉन्च। बोले बदल दो। कोई बदलने का भाव नहीं है मेरा, विषय समझना। आचार्य जी ने वही जंगल में खड़ो के कहा, राजा जी पहले तुम त्याग करो, पहले तुम नियम लो कि आगम के विपरीत नहीं लिखेंगे। अरे आचार्य श्री हमने कहा हम वैसे ही नहीं लिख रहे, हम नहीं कहेंगे। बोले तुम पहले नियम लो। हमने कहा हो भैया नमोरियंताण। बोले बेटा एक लाइन भी विपरीत लिख गए और कहीं तुम्हारा पुण्य तेज रहा तो विपरीत कथन चालू हो जाएगा, परंपरा महावीर स्वामी की टूट जाएगी। महावीर स्वामी की परंपरा टूट जाएगी। इसलिए हम बिना मिलन भैया, मिलन भैया, हम जो भी लिखते हैं पहले लिखने के बाद आचार्य श्री के पास भेजते हैं, फिर वहां अप्रूव्ड होता है, फिर छपवाते हैं। बिना उनके आशीर्वाद के हम कुछ नहीं छपाते। आगम के विपरीत न कहना, न करना, न सुनना, अपरमेश्वर जी न लिखना। लिख जाओगे परंपरा भी चल जाएगी लेकिन दुर्गति हो जाएगी। पूज्यपाद नाम स्वामी का नाम सुना, आचार्य पूज्यपाद स्वामी देवनंदी नाम था जिनका, जैनेन्द्र बुद्धि नाम था जिन्होंने स्तोपदे समाधि तंत्र जैनेन्द्र व्याकरण जैसे महान ग्रंथों को लिखा है, उनके एक शिष्य हुए, शिष्य का नाम था बज्रनंदी। क्या नाम था? बज्रनंदी आचार्य थे और पाहुड़ ग्रंथों के प्रौढ़ ज्ञाता थे। मन में और आई पारस भैया, उनके मन में और आई भैया, उन्होंने स्त्रियों को नग्न दीक्षा देना प्रारंभ कर दी। दंशन पाव एक ग्रंथ है देवसेन स्वामी का, अपरमेश्वर जी क्या नाम है ग्रंथ का, दर्शन सार, 50-60 गाथाओं का ग्रंथ है, दर्शन सार नाम है, पढ़ो उसको आप। पूर्व में जो जैन धर्म के लिए जैना भाष हो चुके उनका कथन लिखा है सबका। उन्होंने आरिकाओं को नग्न दीक्षा देना चालू कर दी। धर्म की हंसी हुई, धर्म से भ्रष्ट भी हुए, च्युत भी हुए। किसके शिष्य थे? किसके शिष्य थे? आचार्य पूज्यपाद स्वामी के शिष्य थे। अरे भद्रबाहु स्वामी के शिष्यों से ही तो श्वेत पट्टा आमना चालू हुई कि नहीं, उसमें गुरु का क्या दोष? गुरु को दोष मत देना, ये व्यक्ति की अपनी अपनी परिणति है। सहज सागर जी, गुरु हर शिष्य को एक सा ही ज्ञान देते हैं। विजय भैया बरघाट हम एक बार नहीं 4-5 बार हो गए। एक बार मंदिर के सामने वहां पर एक वो है चौकनी, वो क्या बोलते हैं उसको, वो नहीं, मंदिर के सामने एक बहुत बड़े चबूतरे बने हुए जहां पर हाट लगती है ना, वहां प्रवचन हुए थे। हम लिख रहे थे अपनी डायरी पे तो आचार्य जी के प्रवचन हुए थे वहां पे। आचार्य जी ने एक बात कही थी, बेटा लिखो, खूब लिखो, मनाही नहीं है, लेकिन एक लाइन भी गलत लिख गए तो अनंत पर्याय गलत हो जाएंगी, लिखो, कोई मनाही नहीं है। गलत करने वाला अच्छा है गलत लिखने और बोलने वाले से। सुनो सुनी, गलत करने वाला अच्छा है किसकी अपेक्षा से? गलत कहने और लिखने वाले की अपेक्षा से। गलत किया है तो वो ही गलत है, गलत लिखा और बोला है तो हजारों गलत हो जाएंगे। इसीलिए मति शुद्ध ज्ञान के बल पर स्वच्छंद कभी मत कहना भैया, कभी मत कहना। सहज सागर जी 100 ग्राम बादाम पचा लोगे हैं? नहीं पचा पाओगे, हम पचा लेंगे।
अब ये हम पचा सकते हैं, ये नहीं पचा पाते तो ये कहते हैं कि 100 ग्राम बादाम कोई खा नहीं सकता। अब प्रमित सागर जी, ऐसे भी लोग हैं भारत में 100-100 रसगुल्ले खा लेते हैं, पचा लेते हैं, उन्हें पथरी भी नहीं हो रही, और छेने के 100-100 रसगुल्ले खा गए, पचा गए, बीमार भी नहीं पड़े, उन्हें पथरी भी नहीं हो रही। अब ये बोल रहे हैं नहीं होगी पथरी, पक्के में होगी। अरे उसकी शरीर की वैसी प्रकृति है, तुम क्या करोगे। आचार्य शांति सागर महाराज ने, जिनका आज जन्म दिवस पर्याय का है, क्या जैन शासन के लिए निधियां दे गए। यद्यपि शिष्य बहुत कम थे, लेकिन उन्होंने उस समय विहार किया जिस समय कुछ नहीं था। अभी तो फील्ड बनी बनाई है, वहां विहार किया जहां कोई जाता नहीं था। बताओ पारस भैया, पाप भीरु आचार थे, आगम के विपरीत कहा नहीं और गलती हुई तुरंत सुधारा, सुधार किया कि नहीं। इसमें शर्माने वाली क्या बात है, गलत हम हैं, सुधार करेंगे, बात खत्म। किसी ने पूछा आचार्य शांति सागर महाराज जी से, 3 कम 9 कोटी हैं मुनिराज, आपका नंबर कौन सा है। उन्होंने कहा सबसे आखिरी वाला। बोले शिष्य आपकी, बोले ये तो ऊंची साधना वाले हैं, हमारा सबसे आखिरी में नंबर है। ज्ञानी कभी नहीं कहता कि मैं ज्ञानी हूं, अज्ञानी ही कहता है कि मैं ज्ञानी हूं। इसलिए एमी जा रहे हो, सुमी जा रहे हो, मधुर अवनीश अनी सब जा रहे हो, भैया चाहो आने के लिए जाना, लेकिन इतना ध्यान रखना सतर्क चले जाना, लेकिन मिथ्यात मत जाना। जो साधु नगर में हो, आपकी व्यस्तता मानते हैं आप, लेकिन एक दिन आहार कम से कम जरूर देना। आसपास जो साधु हो उनको एक बार आहार जरूर देना, प्रयास करना, चौका लगा के आहार देना। माना कि अनुकूलता नहीं हो, अपने घर से सामग्री ले जाके देना। वो पूछे कहां से आए हो, तो बोलना नियम दिया था महाराज जी ने, सो हम पूरा करने आए हैं। कि हम उनने कहा था जो नगर में आसपास साधु उनको आहार देना, तो माता जी हो, छुल्लक जी हो, मुनि महाराज हो, आहार देना। पूछे तो बताना महाराज जी ने नियम दिया था, इसलिए हम आहार देने आए। कर लोग इतना, इतना जानने का तुम्हारा इतना ही नियम है। बिल्कुल श्रद्धा से, भक्ति से प्रसन्न होके ये मत देखना आदित्य सागर जी नहीं है, ये देखना सब एक ही क्लास के स्टूडेंट है। नमो लोए, नमो लोए, अपनी एक ही शिक्षा है, उसको अंतरंग में रखना। लेकिन कुछ भी हो, कोई मिथ्यात्व की घुटी पिलाए, सूतक दे, तो ग्रहण मत कर लेना। कलावा बंधक ही नहीं तुम्हारे हैं अनी, हाँ सम्यक दर्शन कलावा है बेटा। कोई कितने ही सूतक दे मिथ्यात्व की, ले मत लेना। ये सूतकें अच्छी हैं, 13 दिन 10 दिन अधिक से अधिक 6 महीने में ठीक तो हो जाती हैं। वो जो मिथ्यात्व की सूतक है वो अनंत पर्याय तक रहती है। आप सभी सम्यक की रक्षा करें, मिथ्यात्व से बचें, क्योंकि सम्यक ही आपका मित्र है और मिथ्यात्व ही आपका शत्रु है। कल पुनः चर्चा करेंगे। आप सभी मति शुद्ध ज्ञान को सम्यक बनाएं, मिथ्या ना बनाएं। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।